अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी पर, और जो हमारा आज का मेन टॉपिक है वो है वर्ण एंड स्ट्रक्चरलिज्म पर। लेकिन उससे पहले अगर आपने साइकोलॉजी का पहला और दूसरा लेक्चर यानी साइकोलॉजी क्या है और उसके अलावा साइकोलॉजी की कौन कौन सी ब्रांचेस है वो नहीं देखा, तो मैं ऊपर लिंक दे रहा हूँ, वो आप जाके खास पहले देख लें, फिर आपको ये बातें समझ में आएंगी, वरना हो सकता है कि आपको ये बातें समझ में ना आए। किसी भी सब्जेक्ट के लिए उसकी हिस्ट्री बहुत ही मायने रखती है, और साइकोलॉजी के लिए तो खास करके, क्योंकि जो साइकोलॉजी था वो पहले फिलोसॉफी की एक फील्ड था। साइकोलॉजी में जितना भी कंट्रीब्यूशन हुआ है वो फिलोसोफर ने ही किया है। तो ये मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि जो हमारी फिलोसोफी है वो सारी की सारी थ्योरेटिकल होती है, कोई भी प्रैक्टिकल नहीं होता। तो इसीलिए जो साइकोलॉजी की स्टार्टिंग एरा थी उसमें भी सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल वर्क हुआ था, प्रैक्टिकल यानी एक्सपेरिमेंटल कोई भी वर्क नहीं हुआ था। वुंड यानी स्ट्रक्चरलिज्म से पहले 1879 से पहले साइकोलॉजी एक फिलोसॉफी की ब्रांच थी, लेकिन 1879 के बाद में वो एक अलग सब्जेक्ट के हिसाब से दुनिया के सामने आ गई और उसमें बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हुई है। तो चलिए समझते हैं कि वुंड और स्ट्रक्चरलिज्म असल में है क्या, वुंड था कौन, और स्ट्रक्चरलिज्म किस स्कूल ऑफ थॉट यानी किस एक वर्ड को, किस एक सेंटेंस को या किस एक थॉट को कहते हैं। तो अगर आपको और वीडियोस चाहिए तो चले जाइए इंडेक्स अकेडमी पर यूट्यूब पर, आपको वहां पर बहुत ही ज़्यादा वीडियोस मिलेंगी, और डिस्क्रिप्शन में मैंने बहुत सारी प्लेलिस्ट दे दी हैं, जैसे कि पाक अफेयर की है, केमिस्ट्री की है, और मेरा दूसरा चैनल है नोमान टीवी, उसे याद करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। विलियम वुंड 1832 उनकी बॉर्न डेट है, और 1920 पर वो अल्लाह को प्यारे हो गए। जर्मन साइंटिस्ट वाज द फर्स्ट पर्सन टू बी रिफर्ड टू ए साइकोलॉजिस्ट। तो जो विलियम वुंड है वो पहले जर्मन साइंटिस्ट थे जिनको पहले साइकोलॉजिस्ट होने का एजाज हासिल है। असल में ये क्यों हुआ वो आपको आगे चल के पता चल जाएगा। हिज फेमस बुक एंटाइटल्ड प्रिंसिपल ऑफ फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी वाज पब्लिश्ड इन 1837। उन्होंने एक किताब लिखी थी प्रिंसिपल ऑफ फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी जो 1873 में पब्लिश हुई थी। वुंड व्यूड साइकोलॉजी द साइंटिफिक स्टडी ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस एंड ही बिलीव दैट द गोल ऑफ साइकोलॉजी वाज टू आइडेंटिफाई कंपोनेंट्स ऑफ कॉन्शियसनेस एंड हाउ दोज कंपोनेंट्स कंबाइन टू रिजल्ट इन अवर कॉन्शियस एक्सपीरियंस। अभी इसको साइकोलॉजिस्ट क्यों बोला गया वो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। वो इसीलिए कि जो वुंड था वो पहला बंदा था जिसने साइकोलॉजी को एक साइंटिफिक स्टडी ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस के नाम से जाना था। अभी तक यानी 1873 के बाद तक साइकोलॉजी की कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं थी, लेकिन वुंड ने एक डेफिनेशन देने की कोशिश की है, और उन्होंने ये बात की है कि जो साइकोलॉजी उसका गोल सिर्फ और सिर्फ कॉन्शियसनेस पर होना चाहिए कि कैसे हम अपने जो एक कॉन्शियस फीलिंग्स में हैं, कॉन्शियस प्रेजेंट हाल में हैं, जो भी हम चीज़ें देख रहे हैं वो हमारी कॉन्शियसनेस के थ्रू हमारे अंदर आ रही हैं, तो हम किसी भी एक कंपोनेंट को जो कॉन्शियसनेस उसको देखता है आंखों के थ्रू, हम उसको देखते हैं डिफरेंट एटम्स को कंबाइन करके, कंपोनेंट्स को कंबाइन करके हम एक पिक्चर कैसे बनाते हैं, यानी हमारा कॉन्शियस एक्सपीरियंस कैसे वर्क करता है। उन्होंने इसलिए इसी डेफिनेशन को सबके सामने रखा। सिंपल आप ये कह सकते हैं कि जो वुंड का काम था, उन्होंने जो डेफिनेशन दी थी वो सारी की सारी कॉन्शियस एक्सपीरियंस पर थी, यानी हमारा कॉन्शियस एक्सपीरियंस कैसे काम करता है, वो जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं, या वो कंबाइन होकर कैसे हमारी एक होल देते हैं। वुंड यूज इंटरोस्पेक्शन, ही कॉल्ड इट इंटरनल परसेप्शन, पॉसिबल बाय व्हिच सम वन एक्सामिन देयर ओन कॉन्शियस एक्सपीरियंस एज ऑब्जेक्टिवली एज पॉसिबल, मेकिंग ह्यूमन काइंड लाइक एनी अदर एस्पेक्ट ऑफ नेचर दैट अ साइंटिस्ट ऑब्जर्व। जो वुंड था उन्होंने एक ऐसा मेथड दिया था, एक ऐसा टूल दिया था जिनको वो इंटरोस्पेक्शन के नाम से बोलते थे। ये क्या था? दरअसल ये एक ऐसा टूल है जिसमें इंसान अपने कॉन्शियस हालात के बारे में, फीलिंग्स के बारे में बताता था। यानी कि एक बंदा
जिसको कोई भी फीलिंग आ रही हो, इमोशनल फीलिंग आ रही हो, उसको गुस्सा आ रहा है, वो गुस्से में कैसा फील करता है, उसकी हार्ट बीट कैसे बढ़ जाती है, वो एक शीट देते थे, इसको बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन मेथड। देन उसके बाद इन 1879 इन लिप्ज़िग जर्मनी विलियम वुड स्टार्टेड हिज लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी। ये पहला बंदा था जिसने साइकोलॉजी की लेबोरेटरी बनाई थी। हिज एफर्ट टू परस्यू द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन अ सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक मैनर वुड इज जनरली एक्नॉलेज एज एस्टैब्लिशिंग मॉडर्न साइकोलॉजी एज अ सेपरेट फॉर्मल फील्ड ऑफ स्टडी एल्थो ही वाज ट्रेन्ड इन फिजियोलॉजी द स्टडी ऑफ द हाउ द बॉडी वर्क्स वुड रियल इंटरेस्ट वर्क इन द स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड वुड वाज स्ट्रक्चरलिस्ट। यानी कि जो उसका काम था वो सारा का सारा ये था कि हम ह्यूमन बिहेवियर को सिस्टमिक तरीके से साइंटिफिक मैनर के थ्रू पढ़ सके। वो था तो एक फिजियोलॉजी, यानी फिजियोलॉजी हम एक ऐसे सब्जेक्ट को बोलते हैं जिसमें हम ये जानते हैं कि हमारी बॉडी ऑर्गन टिश्यू सेल्स वगैरह कैसे वर्क करते हैं। लेकिन जो वुंड था, वुंड ने साइकोलॉजी को एक अलग फील्ड दे दी, क्योंकि उसने साइकोलॉजी की एक अलग लेबोरेटरी बनाई थी, साइंटिफिक लेबोरेटरी बनाई थी, फिलोसॉफी की लेबोरेटरी बनाई थी। फिलोसॉफी से उसका पता कट गया था, अभी साइकोलॉजी एक अलग फील्ड बन गई थी। और वुंड का जो असल इंटरेस्ट था वो था ह्यूमन माइंड, वो था तो फिजियोलॉजिस्ट, लेकिन उसका काम था ह्यूमन माइंड कैसे काम करता है। तो इस सारे जो भी उसका थीम था, यानी स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म क्या है वो आगे भी हम चलकर पढ़ेंगे। तो इसी लिहाज से जो वुंड था वो फर्स्ट स्ट्रक्चरलिस्ट था, व्हिच मींस दैट ही वाज इंटरेस्टेड इन द बेसिक एलिमेंट ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस इन हिज लेबोरेटरी। वुंड मॉडल्ड हिज रिसर्च ऑन द माइंड आफ्टर रिसर्च इन अदर नेचुरल साइंसेज ही हैड स्टडीड। सिंपल स्ट्रक्चरलिज्म इसको बोल सकते हैं, या स्ट्रक्चरलिस्ट हम उसको बोल सकते हैं कि वो ह्यूमन एक्सपीरियंस के जो एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, इमेजेस कैसे इकट्ठा होकर हमारी फीलिंग्स बनाती हैं। तो स्ट्रक्चरलिज्म यही है। जो वुंड का काम था, वुंड का काम पहले तो नेचुरल साइंस पर था, लेकिन बाद में उसने माइंड को अपना मौजू पर बहुत ज़्यादा रिसर्च की। ही डेवलप अ मेथड ऑफ सेल्फ ऑब्जर्वेशन कॉल्ड इंट्रोस्पेक्शन टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द माइंड। में ऊपर भी यहाँ पर बयान करके आया हूँ, पीछे भी बयान करके आया हूँ कि उसने एक टूल, एक मेथड बनाया था जिसको इंट्रोस्पेक्शन बोलते हैं, जिसके थ्रू हम किसी के भी माइंड की डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। इन केयरफुली कंट्रोल सिचुएशन ट्रेंड पार्टिसिपेंट रिपोर्टेड देयर थॉट्स इन द वुंड ट्राइड टू मैप आउट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ थॉट प्रोसेस। और इसी से किसी भी बंदे की जिसके हम ट्रेनिंग वगैरह करते हैं, पार्टिसिपेंट की, उसकी प्रोसेस जानने की कोशिश करते हैं। तो ये था स्ट्रक्चरलिज्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।